इस प्रकार के जब भी बड़े आयोजन होते हैं उसमें ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, पार्किंग को लेकर, और किस रूट से आए, तो उसके लिए क्या कुछ अभी तक प्लान हुआ है? और लग रहे हैं, कर रहे हैं, और पूरी ताकत के साथ लोग चाहते हैं कि हम इस रस पान के साथ में आनंद लें और सावन में झूमे और महाभंडारे का आनंद लें। भिलाई वासी और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि अचानक देखा जाता है कि कई बार इस प्रकार के बड़े आयोजन के लिए महीनों से प्रचार प्रसार चलता रहता है, लेकिन दया सिंह आए और अचानक से बम फोड़ते हैं कि भाई कुछ दिन बाद प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। आमतौर पर देखा जाता है कि जो दर्शन करने भक्त जन आते हैं, जो कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि पिछले बार भी हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे, लोग करते हैं कि जिस गेट में वो पहुंच गए वहां उनकी अगर पार्किंग नहीं है फिर भी कोशिश करते हैं कि रिक्वेस्ट करके यहां पार्किंग मिल जाए, तो उनके लिए क्या अपील रहेगा ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुगम बनी रहे? 25 जुलाई से पंडित प्रदीप मिश्रा जो है वो भिलाई आ रहे हैं। भिलाई के जयंती स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया है शिव पुराण का, और जिसको लेकर आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो चुकी है, मंच बनने लगे हैं और जो डोम शेड है वो भी बनना शुरू हो चुका है। आज यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर सर और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर सर भी आए हुए थे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या प्लान है, क्योंकि जो लोग हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं, गाड़ी से आते हैं और तमाम जगहों से आते हैं, उनके पार्किंग की क्या व्यवस्था है, ट्रैफिक रूट क्या होगा, किस रास्ते से आना उनके लिए सुगम और सरल होने वाला है, ये जानने के लिए हम ट्रैफिक डीएसपी सर से बातचीत करेंगे। सर, इस प्रकार के जब भी बड़े आयोजन होते हैं उसमें ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, पार्किंग को लेकर, और किस रूट से आएं, तो उसके लिए क्या कुछ अभी तक प्लान हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से 25 तारीख से जो शिव महापुराण का कार्यक्रम जयंती स्टेडियम में आयोजित होना है उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग स्थानों से आने वालों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महाराज जी के लिए अलग मार्ग रखा गया है जो पृथक से रहेगा, सिर्फ केवल महाराज जी इसका उपयोग कर पाएंगे। आम जो पब्लिक आएगी उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था जयंती स्टेडियम के भिलाई होटल है उसके पास जो सामने पार्किंग है वहाँ पर पूरी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। उसके पीछे फुटबॉल मैदान है, वहाँ पर वाहन को पार्क कर सकेंगे। कला मंदिर के सामने जो जगह है वहाँ पर वाहनों को पार्क कर सकेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे जो मैदान है, वहाँ बड़ा मैदान है, वहाँ पे जनरल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो वीआईपी पासधारी हैं उनके लिए बैंक परिसर के पास पार्किंग की व्यवस्था है। शहीद पार्क है जो सेक्टर 7 का, शहीद पार्क है सेक्टर 5 का, उसके पास पार्किंग की व्यवस्था है। हरिराज के पीछे जो मैदान बना हुआ है वहाँ पे अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे। इसके अलावा सेक्टर 10 का राजेश किराना स्टोर है उसके सामने जो मैदान है सेक्टर 10 का वहाँ पे अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे। इसके अलावा विराज टॉकीज है वहाँ पे अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे। और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसलिए लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो निर्धारित पार्किंग स्थल है वहाँ पे अपने वाहनों को पार्क करें और हमारी व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें। इस बार देखा जाए तो सर काफी जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। पिछले बार जो महापुराण हुआ था उसमें जो पार्किंग व्यवस्था है वो भिलाई विद्यालय और सेक्टर 7 ग्राउंड दिया गया था, जो काफी दूर होने की वजह से लोग वहाँ पर पार्किंग नहीं कर रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से इसमें जो 70-80% लोग दोपहिया वाहनों से आते हैं और 4 पहिया से आने वालों की संख्या कम रहती है, तो वाहनों का हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि जितने नजदीक हो सके वहाँ में वाहनों को पार्क कर सके और ज्यादा ना चलना पड़े किसी व्यक्ति को, क्योंकि महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं, निगरानी भी की जाएगी, और किसी अलग से अलग दिशाओं से आने वालों के लिए अलग अलग स्थानों में पार्किंग है ताकि किसी भी प्रकार का क्रॉस ना हो। और लोगों से भी अपील है निर्धारित वाहनों को अपने निर्धारित पार्किंग में खड़े करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जो दर्शन करने भक्त जन आते हैं, जो कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि पिछले बार भी हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे, लोग करते हैं कि जिस गेट में वो पहुंच गए वहां उनकी अगर पार्किंग नहीं है फिर भी कोशिश करते हैं कि रिक्वेस्ट करके यहां पार्किंग मिल जाए, तो उनके लिए क्या अपील रहेगा ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुगम बनी रहे? जो सभी लोगों से अपील है, जो पासधारी है, जिनको पास मिला हुआ है, कार पास है या वीआईपी पास मिला हुआ है, वो बेरोजगार तिराहा से होते हुए शहीद पार्क से और बैंक परिसर के पास, यहाँ पे केवल जो पासधारी वाहन है वहीं पर प्रवेश कर सकेंगे। महाराज जी का रास्ता है जो जवाहर उद्यान है वहाँ से फॉरेस्ट एवेन्यू वाला रास्ता आता है, वहाँ से केवल महाराज जी की गाड़ियाँ आ पाएगी, वहाँ से किसी प्रकार के वाहनों को प्रवेश नहीं रहेगा। कोई भी पासधारी वहाँ से नहीं? नहीं, कोई भी पासधारी पीछे जो फॉरेस्ट एवेन्यू वाला रास्ता है वहाँ से किसी भी प्रकार के वाहनों को प्रवेश नहीं है, चाहे हो दोपहिया हो चार पहिया, किसी प्रकार के वाहन नहीं आ पाएंगे। और सभी वाहनों की पार्किंग जयंती स्टेडियम भिड़ाई होटल के सामने वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे अपने पार्क करके वहाँ पे मुश्किल से 500 मीटर का दूरी में कार्यक्रम स्थल है और कम से कम चलना पड़े उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। आयोजक दया सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करें किस प्रकार से व्यवस्थाएं जो है वो पूरी हो चुकी है। बहुत कम समय बचा है, कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है? देख रहे हैं कि पंडाल पूरा स्वरूप ले लिया है, अब बस कल शाम तक पूरी चीजें कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, तो अभी व्यवस्थाओं को लेके जिस तरह से रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन पूरे लेबर लगे हुए हैं, तो आप समझ के चलिए कि 24 तारीख के दिन जो हम लोग के समिति के द्वारा और जो भिलाई के वासी जो बाबा की भक्ति के साथ में कलश यात्रा में सवेरे 10 बजे सम्मिलित होंगे, क्योंकि ठीक 10 बजे वहाँ से निकल जाएगी
गणेश से मंदिर सेक्टर 5 से और जयंती स्टेडियम में समाप्ति होगी। और समापन के बाद में आई कार्ड वगैरह सब लोगों को वितरण करना है, वो देंगे। तो एक बड़ी तैयारी के साथ आज प्रशासन के साथ में बैठक हुई है और अभी निगम कमिश्नर से भी बात हुई है। तो पूरी एक एक व्यवस्थाओं को लेकर, एक एक चीज़ों को लेकर अपन बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास ही नहीं कर रहे, बल्कि पूरा प्रशासनिक तौर पर सबका सहयोग और साथ भी मिल रहा है और बड़े आनंदपूर्वक पूरे कार्यक्रम को सफल हुआ। भिलाई वासी और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि अचानक देखा जाता है कि कई बार इस प्रकार के बड़े आयोजन के लिए महीनों से प्रचार प्रसार चलता रहता है, लेकिन दया सिंह आए और अचानक से बम फोड़ते हैं कि भाई कुछ दिन बाद प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। देखिए, सावन का पर्व है और सृष्टि पूरी एक माह तक भगवान भोले शंकर जी सावन में सृष्टि को संभालते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सैया पे अब आराम करने चले गए हैं। अभी गुरु का पर्व है आज, उसके बाद 22 तारीख से भगवान भोलेनाथ जी पूरा बोलना चाहिए कि एक माह रहेंगे, क्योंकि बाबा आ रहे हैं और बाबा का पर्व है। इस पर्व में हम रसपान कर पाए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, लेकिन चैलेंज को हमको स्वीकार है। और आप देखेंगे कि किस पैमाने में लोग उमड़ के आ रहे हैं और लग रहे हैं, कर रहे हैं, और पूरी ताकत के साथ लोग चाहते हैं कि हम इस रसपान के साथ में आनंद लें और सावन में झूमें और महाभंडारे का आनंद लें। प्रदीप मिश्रा जी का नाम सुनते ही जो भक्तों की संख्या है वो अपने आप बढ़ने लग जाती है। लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इतनी भीड़ आ जाती है, तो उस भीड़ को संभालने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए क्या कुछ प्लानिंग दया सिंह की टीम ने की है? पूरे हमारे करीब 1500 वॉल्टियर हमने जिम्मेदारियां दे रहे हैं, और भी लोग अभी आके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन सब लोग करवा रहे हैं और दे रहे हैं। सब लोग का आधार कार्ड लिया जा रहा है, फ़ोटो लिया जा रहा है, और सबको अलग अलग जिम्मेदारियां, पहले भी उन्होंने जिम्मेदारी निर्वहन की है और अभी भी जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे, और बाकी नए लोगों को भी एक जिम्मेदारी का एक जो मन भाव है तो उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। और आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में वॉल्टियर रहेंगे, बाउंसर रहेंगे, या फिर प्रशासन स्वयं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ, उनका हर तरह का सहयोग साथ मिल रहा है, और सब मिलके इस भगवान भोलेनाथ का जो पर्व है सावन, इसमें आप रसपान करेंगे और शिव महाकथा का आनंद लेंगे। 4 दिन बाद आपको इसी स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से शिव पुराण सुनने को मिलेगा, और ये मंच तैयार हो रहा है, कुछ ही दिनों में तमाम चीज़ें तैयार हो जाएगी, और 24 तारीख से कलश यात्रा निकलनी है, और कलश यात्रा के निकलने के बाद उसके अगले दिन से ही शिव महापुराण की शुरुआत हो जाएगी। आप इस महापुराण में आने के लिए कितने उत्सुक हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं, कितनी तैयारियाँ कर चुके हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको इस कथा से जुड़ी, इस आयोजन से जुड़ी तमाम जानकारियाँ पल पल की अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ एडिशनल एसपी सुकुनंदन राठौर सर मौजूद हैं। सर, जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं जहाँ सैकड़ों हज़ारों संख्या में भक्तजन आते हैं, वहाँ पर चोरी एक आम तौर पर देखी जाती है, जो पर्स चोरी हो जाती है, मोबाइल, चेन, सोने के चीज़ें चोरी हो जाती है, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे और पुलिस प्रशासन उसमें कितना सजग रहने वाली है? निश्चित रूप से ये बड़ा टास्क रहता है, जहाँ कहीं भी ऐसी बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, भीड़ हो जाता है, वहाँ पर एक गैंग सक्रिय हो जाता है, चोर गिरोह सक्रिय हो जाता है, वो मौके की तलाश में रहते हैं, पॉकेटमारी कर देते हैं, मोबाइल को चोरी कर लेते हैं, स्नेचिंग भी हो जाती है। तो इसमें लोग को अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करने की भी आवश्यकता रहती है, सजग रह करके इससे बचा जा सकता है, और अपने कम से कम सामान लेकर के या गहने जो बाहर दिखते रहते हैं उसको ना पहन के आए तो भी सुरक्षा की जा सकती है। अमूमन इसमें हमारी पूरी पैनी निगाह रहेगी, CCTV से सारी जगह लैस रहेंगे, और सिविल में भी हमारी टीम लगी रहेगी। सर, पुलिस की कितनी टीम है जो यहाँ पर तैनात रहने वाली है हमेशा? ये अभी हमारा प्लान इसमें चल रहा है, और जो जगह बन रहा है उसके हिसाब से हम अभी फोर्स डिप्लाई करेंगे। 24 अराउंड यहाँ पर ड्यूटी लगेगी, रात में भी श्रद्धालु रुकते हैं उसके लिए भी अलग से हम व्यवस्था लगा रहे हैं, सिविल में भी हमारी टीम अलग से लगी रहेगी, क्राइम ब्रांच भी लगी रहेगी।